नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी राजीव चौबे चुनावी मैदान पर हैं। स्मृति नगर से पार्षद प्रत्याशी ने मीडिया से खास बातचीत में वार्ड के विकास संबंधी मुद्दों के बारे में बताया, जिसमें सीवरेज सिस्टम को अहम मुद्दा बताया। विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। आप वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े, यदि पार्षद चुन के आते हैं तो किस प्रकार की विकास को लेकर प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर वार्ड जो है, उसमें स्मृति नगर के अलावा चौहान टाउन, सूर्य विहार, दीनदयाल उपाध्याय नगर, लोटस अपार्टमेंट और आनंद नगर, पुष्पक नगर का एक छोटा हिस्सा, त्रिवेणी नगर, इसमें से जो अधिकतर कॉलोनीज हैं इनकी समस्या एक है, ये संयोग कहिए। नगर पालिक निगम इस क्षेत्र से सारे के सारे कर लेता है, डेवलपमेंट चार्ज भी ले रहा है, यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहा है, इवन मेंटेनेंस का चार्जेस भी लेता है, लेकिन काम यहाँ नहीं करता। उसका एक्सक्यूज़ ये है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है और हैंडओवर नहीं हुई है नगर निगम को, इसलिए काम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मेरी ये है कि चूँकि नगर निगम द्वारा भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में करोड़ों अरबों रुपये की राशि से विकास के कार्य, ब्यूटिफिकेशन का कार्य करवाया जा रहा है, और आप और हम सभी जानते हैं कि टाउनशिप को तो बीएसपी ने हैंडओवर किया नहीं है नगर निगम को, जो काम वहाँ हो रहे हैं वो काम हमारे यहाँ भी हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। तो विकास के कामों में सारे काम आ जाते हैं, आज उद्यानों का काम है, आज सीवरेज का काम है, कुछ जगह सड़क तो लगभग सभी जगह ठीक ठाक है, कुछ जगह सड़कों का काम है, सीवरेज का अपग्रेडेशन बहुत अनिवार्य है क्योंकि पुरानी कॉलोनीज हो गई हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सीवरेज की ज़रूरत है। तो जो भी काम नगर निगम बाकी क्षेत्रों में कर रहा है, पानी की हमारे यहाँ समस्या है, बाकी जगह नगर निगम जो है 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह में पानी घर तक पहुँचाता है हमारे यहाँ, और सूर्य विहार में पानी लाके हमारे सम्प में छोड़ देता है, उस सम्प से हम पानी लिफ्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स जो है वो हमारी है, उसका मेंटेनेंस का खर्च हमारा है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस जो है वो हमारा है। तो ये जो सौतेलापन या जो भेदभाव नगर निगम द्वारा किया जाता है इन प्राइवेट कॉलोनीज से, उसके खिलाफ मैं पिछले 15 वर्षों से लड़ रहा हूँ। चूँकि मैं स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का अध्यक्ष हूँ 2007 से, और 15 वर्षों से मैं निरंतर नगर पालिक निगम से इन मुद्दों को लेकर लड़ रहा हूँ। मेरी 5 रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित हैं इन विषयों को लेकर। उसके अलावा दूसरे रास्ते से, संघर्ष के रास्ते से, मैंने 6 करोड़ रुपये की राशि राज्य शासन से प्राप्त की स्मृति नगर के विकास के लिए, और वो नगर निगम के माध्यम से हुआ, राज्य शासन ने नगर निगम को राशि स्वीकृत की। 4.25 करोड़ रुपए से सीसी रोड का निर्माण यहाँ हुआ, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से टार रोड बनी थी, और 65 लाख रुपए की लागत से इस पटरी के इस पार का पहला टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस का कोर्ट जो है वो यहाँ स्वीकृत हुआ नगर, हमारे स्मृति नगर में। तो आने वाले समय में इसी तरह से मैं सूर्य विहार, चौहान टाउन, दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये कॉलोनी जो सरेंडर नहीं हुई है, और जो सरेंडर कॉलोनी आनंद नगर और पुष्पक नगर उनके, और त्रिवेणी नगर, इन सभी के विकास के लिए मैं संघर्षरत रहूँगा और इनका प्रतिनिधित्व मैं करूँगा, इनकी आवाज़ को, इनकी समस्याओं को नगर निगम में उठाना चाहूँगा। सर, सीवरेज को लेकर किस प्रकार की प्लानिंग है आपकी? सीवरेज को लेकर देखिए, स्मृति नगर के बारे में जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, जब यहाँ सीवरेज लाइन डाली गई उस समय वो विजन नहीं था उस समय उनको आने वाले समय का, क्योंकि बहुत कम आबादी थी, अधिकतर प्लॉट खाली थे, लगभग 25-30% स्मृति नगर बसा था। वो तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उसके अनुरूप सीवरेज लाइन डाल दी गई, यहाँ 4 इंच की पाइपलाइन डली हुई है सीवरेज की, जो उसको अपग्रेड करना है। हमारे संस्था के पास जब फंड्स थे तो मैंने अपग्रेडेशन का काम चालू किया था, और हमारी जो 40-42 सड़कें हैं उसमें सड़क नंबर 1 से 6 तक मैंने सीवरेज को अपग्रेड किया, जो 4 इंच लाइन थी और 6 इंच लाइन थी, उसको जो मेन लाइन जो होती है वो 6 इंच की थी और जो सर्विस लाइन 4 इंच की थी, उसको हमने अपग्रेड करके 8 इंच और 12 इंच किया। आने वाले समय में पूरे के पूरे स्मृति नगर में इसकी आवश्यकता है। सूर्य विहार की भी लाइन पुरानी डली हुई है, उसको भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये मस्ट है, सबसे बड़ी आवश्यकता, क्योंकि आज की स्थिति में चाहे वो सूर्य विहार हो, हम हो, या अपराध तो हो रहा है कि वो पानी जो है नाले में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुराना सिस्टम बना हुआ है, एसटीपी उस समय डाला नहीं गया। तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोजेक्ट बना के मैंने सबमिट किया था, जब सड़कों के लिए जब मैंने वो राशि लाई रमन सिंह के कार्यकाल में, तो उस समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सहित पूरे स्मृति नगर के सीवरेज को अपग्रेडेशन करने का 1-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेरा बन के सबमिट हो चुका है। तो मैं पूरा संघर्ष करके उस प्रोजेक्ट को लाऊंगा और सीवरेज लाइन को अपग्रेड करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करूंगा, ताकि प्रदूषित पानी नाले में ना जाए,
ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे ज़्यादा टैक्स लैब में अपना क्षेत्र आता है जी, जी तो इसके लिए भी आप सबसे बड़े टैक्स लैब में आता है मेरे स्मृति नगर वासियों को उससे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा टैक्स लैब आने के बावजूद सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी स्मृति नगर है। सबसे पहले मेरे स्मृति नगर के सदस्य इतने जागरूक है कि एडवांस में टैक्स पेमेंट करने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं और बैठे बैठे जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन होता है नगर पालिक निगम भिलाई का वो स्मृति नगर से होता है। तो लोगों को उस बात का उसको कम करने की या उस जो राशि है उसके भार को लेकर चिंता नहीं है। चिंता इस बात की कि सारा कुछ देने के बाद नगर निगम हमारे लिए करता क्यों नहीं। इसके पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाता था। नगर निगम और हमारा अनुबंध था कि डेवलपमेंट यहाँ संस्था करेगी उसके अगेंस्ट जो प्रावधान होते हैं टाउन कंट्री प्लानिंग के और कॉलोनाइजर एक्ट के तहत नगर पालिक निगम किसी भी कॉलोनाइजर से 30% भूखंड गिरवी रखता है और जब वो वहाँ का विकास पूरा हो जाता है तब उस भूखंड को रिलीज करता है। तो 1980 की बनी सोसाइटी में 1982 के कॉलोनाइजर लाइसेंस में 2004 या 5 में वो जो गिरवी भूखंड थे उसको नगर निगम ने रिलीज किया। इसका मतलब यह है कि विकास कार्य संस्था कर चुकी है 2005 में, तो विकास शुल्क लेने का प्रावधान यहाँ था नहीं कभी। अभी जब सुंदरानी जी यहाँ कमिश्नर थे 2-3 साल पहले उन्होंने एक नई प्रथा चालू कर दी, बिना किसी नियम के बिना किसी कानून के बिना किसी एक्ट में संशोधन करवाए एक नोटशीट जारी कर दी और स्मृति नगर के जो भवन अनुज्ञा के लिए अब जो लोग जाते हैं उनसे भारी भरकम डेवलपमेंट चार्ज लेना चालू कर दिया। ये वास्तव देते हुए कि नगर पालिक निगम द्वारा स्मृति नगर में सड़कें बनाई गई है, विकास का कार्य किया गया, जबकि फैक्ट ये है कि वो राशि मेरे पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा सीधे दी गई थी नगर निगम को। राज्य शासन की निधि है, नगर निगम की निधि से विकास का काम एक पैसे का नहीं हुआ स्मृति नगर में। राज्य शासन की निधि को अपना ठीक है, हम उससे भी सहमत हैं। आप डेवलपमेंट का जब पैसा लेना चालू कर दिया, आपने विकास शुल्क लेना चालू कर दिया, तब तो विकास करना आपकी बाध्यता है। आप विकास करना तो छोड़, कचरा उठाने के लिए भी आप तैयार नहीं है। इतनी भी जहमत नहीं उठा दे कि यहाँ से आप कचरा उठा लें और झाड़ू लगवा लें। तो ये इतने गंभीर विषय हैं जिनके खिलाफ मैं पिछले 15 वर्षों से लड़ रहा हूँ। अभी तक स्मृति नगर के लड़ रहा था, अभी पूरे स्मृति नगर वार्ड के लिए लड़ूंगा मैं। आप कोर्ट में भी कुछ समिति की तरफ से और आपकी तरफ से आवेदन किए गए हैं? 5 रिट याचिकाएँ मेरी लगी हुई है उच्च न्यायालय में नगर पालिक निगम। एक तो EWS की जमीन को लेके है, वो एक टेक्निकल इशू है उसको लेके लगी हुई है। एक याचिका मेरी डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी लगाए जा रहे हैं उसको लेके है, यदि आप या तो डेवलपमेंट चार्ज ना लें या तो फिर आप डेवलपमेंट करें। एक दूसरा साफ़ सफाई और मेंटेनेंस को लेके है, मेंटेनेंस के लिए जो कर लिया जा रहा है हमसे और उसके बदले में वही मेंटेनेंस चार्ज अर्थात तो साफ़ सफाई और उसके लिए होता है वो आप ले रहे हैं और हमारे यहाँ कचरा भी नहीं उठाते, सफाई भी नहीं करते। एक विषय ये है, एक पानी को लेके विषय है कि 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह पूरे शहर से लेते हैं और पानी उनके घर तक पहुंचाते हैं। मेरे यहाँ आप मेरे संप में पानी छोड़ देते हैं, 100 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह अतिरिक्त भार संस्था को पड़ता है। 300 रुपये का लगभग हमको खर्च आता है पानी पहुंचाने का। नगर पालिक निगम को हम 200 रुपये जो सदस्यों से लिया जाता है वो देते हैं, तो 100 रुपये का अतिरिक्त भार हमारे ऊपर आता है। यदि आप 200 रुपये में बाकी जगह घर तक पहुँचा रहे हैं तो स्मृति नगर में बेचे, पाइपलाइन हमारी बिछी हुई है, पानी टंकी मेरी है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले आदमी मेरे हैं, ऑपरेटर मेरे हैं और उस पाइपलाइन को मेंटेनेंस करने के लिए एक नंबर उसके 2 हेल्पर लगे हुए हैं, उनकी सैलरी दुर्रा ये कि उसके बावजूद जो पानी उनके द्वारा दिया जा रहा है वो अपर्याप्त है। 5 से 6 बोर मेरे 24 घंटा चलते हैं, उन बोर का पानी भी सम्प में जाता है, उसको मिला के तब कहीं मैं पानी की सप्लाई पूरी कर पाता हूँ स्मृति नगर में। आप जैसे सीधा उच्च न्यायालय के सामने गए थे, तो उससे पहले आप लोगों ने अपील समिति पूरा अभ्यावेदन दिया गया नगर पालिक निगम को, कई पत्र लिखे गए उसी आधार पे हम उच्च न्यायालय समिति के सामने भी आपने आवेदन किया था? नहीं, अपील समिति के सामने आयुक्त के पास गए थे, हम आयुक्त से मिले थे, महापौर से मिले थे और सारा कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट से मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में उनकी तरफ से एक लिखा हुआ जवाब आ गया कि हम यहाँ नहीं कर सकते ये काम करके। अपील समिति के पास नहीं गया, उसके बाद मैंने रिट लगाई है हाईकोर्ट में। लोगों ने आक्षेप भी लगाया होगा? नहीं, निगम की तरफ से अभी तक कोई पक्ष रखा ही नहीं गया। जो रिट याचिकाएँ मेरी लगी है उसमें कम से कम 3 नोटिस उनको हो चुकी है और अभी तक निगम द्वारा वो कोई पक्ष रखा, यदि होता तो मैं जल्दी से उसको अर्जेंट हियरिंग में लेके सुनवाई भी करवा लेता। तो निगम द्वारा बार बार डेट लिया जाता है और जो शासकीय अधिवक्ता या निगम के अधिवक्ता जो वहाँ खड़े हो रहे हैं उनकी तरफ से वो समय काटने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब परिवार ने भी अपना पक्ष सही नहीं रख रहे हैं, उनके पास जवाब है नहीं देने के लिए। देखिए, जवाब जो भी हो वो विधि के लॉ के फ्रेम के अंदर उनको देना पड़ेगा
और उस फ्रेम के अंदर निगम के पास कोई जवाब नहीं है कि आप दूसरी जगह ऐसा और इस जगह ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो इसमें आप निगम के प्रशासन को दोषी ठहराएंगे कि जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधियों की सुस्ती को मैं बोल सकता हूँ, उनकी लापरवाही। मैं ये नहीं कहता कि जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो किसी मंशा के तहत किसी जनता का या किसी क्षेत्र का नुकसान करना चाहे, ऐसा तो मैं नहीं मानता। लेकिन निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि सुस्त हैं, लापरवाही उन्होंने बताई है। क्योंकि मैं महापौर, तत्कालीन महापौर देवेंद्र यादव से जी भी मिला, भसीन जी के पास भी ये निवेदन किया गया था। इससे पूर्व भजन सिंह निरंकारी थे, वो तो जब विधायक नहीं थे तो हमारे कार्यक्रम में आके शामिल हुए थे। समेकित कर जब हमारे ऊपर रोपित किया गया, पहले नहीं लिया जाता था। समेकित कर में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, वो उसको कैटेगराइज किया गया है कि ये प्रकाश, फायर ब्रिगेड और साफ़ सफाई, इन तीन सुविधाओं के लिए समेकित कर लेगा। वो तीनों सुविधा नगर निगम हमको देता नहीं है, उसके बावजूद समेकित कर रोपित किया गया है। तो इसके लिए तो निरंकारी जी खुद आके हमारे साथ खड़े हुए थे जब विधायक नहीं थे, लेकिन जब विधायक बने वो भूल गए। तो ये इनकी सुस्ती है, इनकी लापरवाही है, इनकी मतलब ये नज़रअंदाज करते हैं हमको। प्रशासन को लेकर, निगम के प्रशासन का, निगम प्रशासन जो है वो ढीला है। देखिए वैसा वहाँ नगर निगम का तो एक तरीका ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहाँ जो निर्वाचित प्रतिनिधि गया, जो मजबूत हुआ, वो अपना काम करवा लेता है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि स्मृति नगर का कोई भी आदमी आज तक पार्षद चुन के नगर निगम में नहीं गया हमेशा, क्योंकि मॉडल टाउन हमसे जुड़ा हुआ था, उसके पहले जुनवानी खमरिया भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो हमारे यहाँ से कोई प्रतिनिधि गया नहीं, हमारी आवाज़ वहाँ तक बुलंद आवाज़ में पहुँची नहीं। और प्रदेश की सबसे बड़े अस्पताल आपके एरिया में है जी, तो उसका बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कोई व्यवस्था निगम करती है क्या, या आप उसके ऊपर कोई अवेयरनेस लाएं? नहीं, मेरे क्षेत्र में आप कहिएगा तो अभी तक स्मृति नगर आता था, अब तो वार्ड आ गया है पूरा। तो अभी बायोमेडिकल का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन सार्वजनिक नहीं हो रहा इतना मैं जानता हूँ। वो जो कर रहे हैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जैसा है, या शंकराचार्य आज भी मेरे वार्ड में नहीं आता, वार्ड क्रमांक एक में आता है वो, या अपोलो हॉस्पिटल। या है अपोलो हॉस्पिटल के तो हम शुरू से निगरानी रखे हैं, बीच में एक दो घटनाएं ऐसी हुई थी कि जहाँ हमारा सब्जी बाजार लगता है वहाँ उनके द्वारा वेस्ट फेंका जा रहा था, तत्काल हमने कार्रवाई की और उसको रोक दिया। तब तो उसको डिस्पोज उन्होंने खुद करना चालू कर दिया अपोलो ने। जो कार्रवाई, आप इससे कितना संतुष्ट हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? देखिए मैं रीति नीति की आप बात करिएगा तो आप देख लीजिए मेरे पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी को आप देख रहे हैं, ऊपर भारत माता की तस्वीर लगी हुई। तो मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम मतों की लीड हर चुनाव में स्मृति नगर ने दी है। विधानसभा चुनाव भसीन जी को हुआ 2014 में 2400 मतों की लीड थी उनकी, जो पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा थी। सुश्री सरोज पांडे 2014 का जो चुनाव लड़ी, वो हालांकि वो चुनाव हारी, लेकिन उसके बावजूद अधिकतम मत उनकी लीड जो है वो स्मृति नगर से रही, 2600 वोट की थी। अभी विजय बघेल जी जो ताजा चुनाव लड़े उसमें 2900 मतों की लीड थी। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी को हमने, और मैं ही यहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमान इस वार्ड में मैं संभालता रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ। एक सिस्टम है यहाँ का कि यहाँ का मतदाता यदि बूथ तक गया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। तो हम उसी पर मेहनत करते थे कि हर मतदाता का मतदान हो, इस बात को केंद्रित करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव प्रचार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। पार्टी को मैं नहीं, तो पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी में तो बहुत उसका वृहत है, पार्टी की परिभाषा जो है, तो मैं पूरी पार्टी को दोष नहीं देता। हाँ, किसी क्या होता है जब टिकट का वितरण होता है तो सामान्यतः जो बड़े नेता होते हैं उनके आपसी में जो सहमति बनती है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसमें कहीं ना कहीं किसी एक बहुत बड़े नेता की नापसंदी का कारण जो था, मेरी टिकट कट गई, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया और मेरी टिकट कट गई। मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी भावना थी कि उनकी आवाज़ को लेके मैं नगर निगम में जाऊँ। वार्ड के मतदाताओं के लिए अपील जो आप करना चाहते, वार्ड के मतदाताओं से मेरी अपील है कि पिछले 15 वर्षों से मैं नगर पालिक निगम से संघर्ष कर रहा हूँ, स्मृति नगर के लोग जानते हैं, साथ में सूर्य विहार है, चौहान टाउन है, दीनदयाल कॉलोनी है, हम की सबकी समस्या एक है। नगर पालिक निगम द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार, हमारे यहाँ वो काम नहीं करता है। तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपका प्रतिनिधि बन के निगम में जाऊंगा और आपकी समस्याओं को पुरजोर आवाज़ में नगर निगम में उठाऊंगा और उसको निराकृत करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वचन है। 6 प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशियों का आप मूल्यांकन करिए कि सबसे सक्षम व्यक्ति नगर निगम में जाए जो आपकी आवाज़, आपकी समस्याओं को बुलंद आवाज़ में वहाँ रख सके। सारे प्रत्याशियों का मूल्यांकन हो और जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है, जिसमें वो क्षमता आपको दिखती है, वो उसको आप वोट दीजिए ताकि वार्ड का विकास सुनिश्चित हो सके। मेरी यही अपील है अपने मतदाताओं से।